हेलो दोस्तों दोस्तों अज की वीडियो आप गल करेंगे बठिंडे जिले में आई कोर्ट दी जॉब वैकेंसियां दी। दोस्तों इन्होंने दो तरह की पोस्ट अनाउंस की, एक स्वीपर की एक स्टेनोग्राफर दी, जिसकी पूरी डिटेल बारे आप गल करेंगे कि किस विच एलिजिबिलिटी ते की क्वालिफिकेशन मंगी गई है ते की एक्सपीरियंस मंगे गया है, पूरी डिटेल में आप गल करेंगे। पर अगे चलने तो पहले जो सा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज़ कोई अपना ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा, सबसक्राइब तो टच ही करना होंगे है ना। तो इस तो बाद आप मेन गल चाहते हैं तो दोस्तों इन्हों की आप ऑफिशियल साइट उपर चल पड़ने हैं। एक बार इन्हों की ऑफिशियल साइट का जो लिंक है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, बाकी तुम इतने नोट भी कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट डॉट जी ओ वी डॉट पंजाब बठिंडा रिक्रूटमेंट। आप लिख के सर्च करते हैं तो इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। यही दोस्तों बठिंडा जो ई कोर्ट की है जो ऑफिशियल साइट है, तो इन्होंने दो तरह की पोस्टा रिक्रूटमेंट सैक्शन में पाई हुई हैं ना। जो पहली पोस्ट है वो तुम इतने चैक कर सकते हो, पोस्ट ऑफ स्वीपर की है मतलब स्पाइस सेवक की है। तो इसकी रिक्रूटमेंट की आप गल करिए पी डी एफ फाइल चैक करिए, तो इस पी डी एफ फाइल में दोस्तों मैं पहले पढ़ ली सी, बाकी तुम्हें भी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, तुम डाउनलोड करके चंगी तरह रीड करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में जरूर फिल कर दियो। तो इस लास्ट लास्ट डेट की गल करिए 28/1/2020 है, तो स्वीपर की पोस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जी 4 है, तो जनरल वास्ते 3 तो एससी वास्ते 1 है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। तो एज लिमिट की गल करिए 18 तो 37 साल इसकी एज लिमिट है। इस फॉर्म फिल करन दा तुहानूं तरीका दसा, यह फॉर्म आपां डाउनलोड करना पवेगा। जे तुहाडे कोल फॉर्म यह डाउनलोड हो जाता तो ठीक है, नहीं तुसीं वीडियो विच कमेंट करो, मैं तुहानूं यह फॉर्म डाउनलोड करके तुहाडे वट्सएप नंबर उपर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म नूं फिल करन दी आपां पूरी डिटेल कर लैंदे आ। तो जो पहली पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है जिस लई तुसीं अप्लाई कर रहे हो स्वीपर की पोस्ट है ना, तो आपां उहदे स्वीपर लिख लेंगे। जे अपनी जो कैटेगरी है एससी एसटी जनरल जो भी कैटेगरी है थोड़ी, इतने आप भर लेंगे तो अपनी फोटो लगा लेंगे इतने, तो इस तो बाद नाम है, उस तो बाद फादर नेम है, तो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी अपनी, तो एज जो एज लिमिट दसी है उसके अंडर होनी चाहिए है, तो क्वालिफिकेशन लिख देनी अपनी, तो परमानेंट एड्रेस, तो यूरो भी एड्रेस सेम ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी नैशनलिटी इंडियन लिख देनी है, तो कॉन्टैक्ट अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कुछ भी, तो एक्सपीरियंस जे है तो एक्सपीरियंस कर देंगे, इस तो बाद आप सिग्नेचर कर देने। इस तो बाद होर डिटेल जो तुम पढ़ना चाहो तो इतने नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, जो सारी डिटेल आपको दी हुई है मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जे तुम भी पढ़ना चाहो तो डाउनलोड करके आराम अपनी तसली बख्श करके फिर ये फॉर्म में फिल कर दियो। तो हुण दोस्तों आप दूजी ग पोस्ट की गल करते हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, तो इसकी जो लास्ट डेट इसकी भी 28/3/2020 है। तो स्टेनोग्राफर 3 पोस्ट है, जनरल वास्ते 2, तो एससी जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 1 है। तो इसकी सैलरी स्केल की गल करिए 10,300 तो लेकर 34,800 इसकी सैलरी स्केल रहेगी। तो इस ग्रैजुएशन मंगी गई है, तो एज लिमिट की गल करिए 18 तो 37 साल इसकी एज लिमिट है, तो सेम प्रोसीजर एवं अप्लाई करना है। ये फॉर्म भर के आप दिते हुए पते उपर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज बठिंडा पब्लिक तो आप भेज देना है। दोस्तों होर जानकारी साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो लाइक कर लो। थैंक यू दोस्तों।